उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बसपा के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे जमकर धमकाते और गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। जी हाँ, इसे सत्ता का बहुकाल के रूप में ही देखा जाएगा। आखिर इनकी पत्नी प्रदेश सरकार में महिला राज्य मंत्री है, तो पति के दिमाग में बहुकाल होना तो लाजमी है। बताया जा रहा है कि यह धमकी कानपुर देहात के मैथा सरकारी सचिव राकेश मिश्रा को योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के पति दे रहे हैं, जहां ऑडियो में सचिव द्वारा गाली ना बकने की हिदायत देने पर और आग बबूला हो जा रहे हैं शुक्ला जी। दरअसल अनिल शुक्ला वारसी पहले सांसद भी रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी फिलहाल प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसके बावजूद वे मर्यादा का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। मंत्री जी गाली बकते रहे, सामने वाला सुनता रहा। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी मोबाइल के जरिए सचिव को गंदी गंदी गालियां देता रहा, लेकिन सामने वाले शख्स ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बीच बीच में वह यही बोलता रहा कि ऐसा मत बोलिए। इसके साथ ही वे प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश के पक्ष में मिश्रा जी को वोट कराने के लिए भी कह रहे हैं। हाँ मिश्रा जी। हाँ अनिल शुक्ला वारसी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते जी। आपको पता है पार्टी किसको चुनाव लड़ा रही? मेहता से। हमें तो नहीं मालूम साहब। हम बता रहे तुम्हें, ज्ञान प्रकाश पाल को लड़ा रही। अच्छा अच्छा। योगराज राज मंडल अध्यक्ष है। हाँ तो अबे तो साहब गए हैं, थोड़ी देर बैठे रहे। हाँ तो साहब तो गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। हाँ बताए। पार्टी के साथ रहना है, ठीक है ना? नहीं पार्टी के पार्टी से अलग कहाँ है? हाँ तो पार्टी अलग नहीं रहना है, और ये मुरीदपुर का बोर्ड और प्रतापपुर नाला का बोर्ड दोनों आपकी जिम्मेदारी पे है, ये ज्ञान प्रकाश पाल के पक्ष में पढ़ने। नहीं मुरीदपुर का बोर्ड नाला प्रतापपुर का बोर्ड। ये कौन है नाला प्रतापपुर का बोर्ड? नाला प्रतापपुर का वो पाल है, वो तुमको तुमने पर्चा भरवाया उसका। कहाँ ऐसा अज्ञान मत बनो। हाँ? नहीं तो कल के बाद फिर हम अज्ञान बन जाएंगे। हाँ हम अज्ञान हैं। बदतमीजी से बात कर रहा क्या? हाँ? बदतमीजी से बात करने की कोशिश कर रहा क्या तू? नहीं तो नाला प्रतापपुर का कोई बोर्ड। बदतमीजी से बात करने की कोशिश कर रहा है? ज्यादा तेरा दिमाग खराब है। नाला प्रतापपुर फलाना। नहीं नाला प्रतापपुर का कोई बोर्ड नहीं है भैया। कहाँ से बोर्ड है फिर? हम क्या जाने कहाँ का है, आप ढूंढे जाके। कैसे बात कर रहे हैं आप? तुमको साले इतने जूते मारेंगे मार। तो देखें कल तुम कार तुम जो तुम कार रहते हो। अच्छा साले दिमाग खराब है तेरा। सही कह रहे हो। हाँ सही नहीं कह रहे। नहीं सही कह रहे हो। हम बता रहे हैं तुम्हें, ऐसे चुनाव लड़ा जाता है। हाँ ऐसे लड़ा जाता है। ऐसे लड़ा जाता है जूते मार के। जूते मारेंगे तुम्हें, अगर कैंडिडेट हार गया तो मैं जूते से मारेंगे। तुम छू नहीं पाओगे, रुआ नहीं छू पाओगे हमारा। अच्छा तो फिर देख लेना तुम। तुम देख लेना, दिखाई पड़ जाना। वहीं 4 मिनट के ऑडियो में अनिल शुक्ला वारसी समिति के सचिव राकेश मिश्रा के साथ मारपीट गाली गलौज से लेकर हर अभद्रता की बात कर लेते हैं। सफाई में क्या बोले मंत्री जी के पति, पार्टी प्रत्याशी के विरोध में कर रहा था काम। इस दौरान जब पत्रकारों ने मंत्री जी के पति अनिल शुक्ला वासी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने गालियाँ दी। मतलब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो गालियाँ हैं उन्हें बकी गई हैं सचिव द्वारा, क्योंकि सचिव नशे में था और पार्टी प्रत्याशी के विरोध में काम कर रहा था। साथ ही मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहा था। इसके अलावा पूर्व विधायक बोले कि मेहता सहकारी समिति में बहुत अनियमितताएँ हैं, ऐसे में उम्मीदवार के 5 मिनट पहले पहुंचने के बाद भी पर्चा क्यों नहीं दाखिल किया, इसकी जांच करवाई जाएगी। तो ये थी खबर अनिल शुक्ला वारसी के बारे में। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस प्रकार के नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।